अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे सब कुछ खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। रिपीट कर लेते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डिग्री है वो 1 हो, या ये समझ लें इस एक पार्ट में जो वेरिएबल है वो ज़्यादा तो उसकी पावर है वो 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन या 1 डिग्री इक्वेशन कहते हैं। उसके दिन हमने 2 पार्ट पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं। इसके रकम है 2/3x - 4/3 इज इक्वल टू 7/3। हल कैसे करना? ये जो रकम है वेरिएबल साइड पे, यहाँ पर माइनस है, उससे जगह क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 2/3x इज इक्वल टू 7/3। पहले कम लिखे और लास्ट में लिखे, जिसे हमें मूव कराना है उसको लास्ट पे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। विधि हल करते हैं, 2/3x इन दोनों का एलसीएम लाएंगे तो एलसीएम 3 जाएगा। एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर रकम कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 7+4 ही रहेगा। आगे लिखते हैं इसको, 2/3x कितने बन जाएंगे? 11/3। इसलिए जब नजीद हल करें तो देखें 2/3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा? डिवाइड। x ऐसे ही लिखेंगे, 11/3 ऐसे लिखा, ये 2/3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर लिख दिया डिवाइडेड बाई 2/3। x अगेन ऐसे, 11/3 भी ऐसे, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रकम उल्टा देते हैं, कैसे? 3/2 नीचे, ये 3 के साथ कैंसिल, तो आपको जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 11/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 4 हल करेंगे। पॉइंट्स में रखना है, अक्सर बच्चे पॉइंट्स को देखने को आ जाते हैं या फ्रैक्शन बड़े रकम को देखकर आ जाते हैं, तो इसका याद रखें, रकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए करना क्या है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की है, दोनों एक्स की रकमें हैं, तो जाहिर बात है अगर एक जैसी रकमें हों, लाइक टर्म्स हों, प्लस या माइनस हो सकती हैं। इन दोनों प्लस है, प्लस हो जाएगा, इस कितना बनेगा? 2/3 5 4/1 5 5.5 है, -3 है, जिसको जाएगा इसका कर देंगे +3। ये जो रकम है इसमें से माइनस क्यों नहीं हुई? तो देखें ये एक्स की रकम है, ये एक्स का रुपेयर है, ये कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए प्लस माइनस नहीं हो सकती। जब हमने इसको -3 को मूव कराया राइट साइड पर, -3 था तो राइट साइड जाए क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 5.5 एक्स के बिना कोई लामत कोई साइन मौजूद नहीं, पढ़ चुके हैं ना, हो तो दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो जैसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 3/5.5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.55। इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो, उम्मीद ये दोनों पार्ट देखकर आप उनको अब हल कर सकेंगे।